देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मोदी सरकार सत्ता संभालने के बाद से ही मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। मोदी सरकार अपनी मुहिम में कुछ हद तक सफल भी हो रही है, लेकिन इस मेक इन इंडिया मुहिम में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी काफी कम है, खासकर स्मार्टफोन निर्माण में। भारतीय स्मार्टफोन निर्माण में शाओमी, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी जैसी दर्जनों कंपनियों का दबदबा है। इसमें भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी ना के बराबर है। हांगकांग के काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारत के 70% स्मार्टफोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का दबदबा है, जो कि एक साल पहले तक 60% था। स्मार्टफोन के बाद अब भारत के इलेक्ट्रिक कार कारोबार में भी चीन तेजी से कदम जमा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2023 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट $2 बिलियन यानी तकरीबन 1,42,078 करोड़ रुपए हो जाएगा। टेक्साई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट साल 2023 तक $2 बिलियन यानी 1,42,078 करोड़ का हो सकता है। ऐसे में चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी भारत का रुख कर रही है। आगामी ऑटो एक्सपो में इसकी झलक आपको दिख सकती है। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी SAIC यानी MG मोटर्स की ओनर कंपनी है ये, और BYD यानी इलेक्ट्रिक बेस और बैटरी निर्माता कंपनी, ग्रेट वॉल यानी चीन की बड़ी SUV निर्माता कंपनी, और फोहाइमा, ये चारों कंपनियां भारत में निवेश करने जा रही हैं। चीन की कंपनियां समझ चुकी हैं कि भारत में आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक वाहनों का है। यही वजह है कि चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां मंदी के बावजूद भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। ऐसी उम्मीद है कि भारत अगले 4 से 5 सालों में दुनिया का बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट होगा। चीनी फर्म SAIC ने भारत में हेक्टर SUV की रिकॉर्ड बिक्री की है। हाल ही में MG मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार MG JDS को भारत में लॉन्च किया, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए के करीब है। चीन की लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी सुनरा ने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया है। चीन की बड़ी कार निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने भी भारतीय ऑटो सेक्टर में 7000 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी भारत में साल 2021 के मध्य तक डेब्यू करना चाहती है। इसके लिए कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने पर तेजी से काम कर रही है, जिससे साल 2022 तक कार प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। यानी फोन टू फोन अब गाड़ियां भी चीन की चलेंगी भारत में।